समस्त सजाते बंधुओं से निवेदन है, कृपया कर वो कुर्सी में बैठने का कष्ट करें। हेलो, कार्यकर्ता साथियों से निवेदन है कि पूजा के पहुंच चुके हैं, कृपया कर इनकी अगुवाई के लिए कार्यस्थल पर पहुंचे। हाँ है, बड़ा वाला माला है, निकाल दिया हम, निकाल दिया। और आयोजक समिति ध्यान दें, महाराजा राष्ट्रपति महाराजा सोहलदेव जी की आरती। माता बहनों से भी निवेदन है कि वो मंच पे आकर महाराजा सोहलदेव जी को माला अर्पण करें। माता बहनों से निवेदन है, सामने बैठे सभी सुजाति बंधुओं से निवेदन है कि मंच पे आकर महाराजा निवेदन है कि महाराजा सोहलदेव जी के चरणों में पुष्प अर्पण करें। इस गांव के सरपंच वंदना राजभर, वंदना पटेल, वंदना राजभर,
वो भी मंच पर आए, महाराजा सोलदेव जी के चरणों में पुष्प अर्पण करें। वंदना पटेल, वंदना राजभर, समस्त स्वजाति बंधुओं से निवेदन है, और जो भी स्वजाति बंधु बताए वो कृपा कर महाराजा सोलदेव जी के चरण पर माल्य अर्पण करें। आज मध्य प्रदेश राजभर महासभा के तत्वावधान में दो दिवसीय विशाल जनसम्मेलन का आयोजन किया गया है। पहले दिन के तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अध्यक्ष महोदय का। सांसद महोदय जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तीरथ प्रसाद जी से निवेदन करता हूं कि वो हमारे सांसद महोदय जी का स्वागत करें। तीरथ प्रसाद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सांसद महोदय जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं निवेदन करता हूं श्री रामचरण जी से कि वो ये फोटो की बात करेंगे। मैं निवेदन करता हूं श्री जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुरु जी का। भगवान दास जी से निवेदन करता हूं कि वो गुरु जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। संतलाल राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संतलाल राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे 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 शिवचरण जी हमारे संतलाल जी का स्वागत करेंगे। शिवचरण जी संतलाल राजभर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। छोटे लाल जी राजभर हमारे बीपी राज जी भिलाई महासभा के अध्यक्ष हैं। ऐसे ऐसे जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। श्री निभूलाल जी परसोत्तम लाल महोदय जी का इस ग्राम पंचायत गनियारी की सरपंच सांसद जी का श्रीमती वंदना राजभर जी। ऐसे तक ऐसे तक स्वागत कीजिए। ओम प्रकाश राजभर बिलगमा से स्वागत कीजिए। निरंजन प्रसाद जी गाना स्वागत कीजिए सांसद महोदय जी का। आसाराम राजभर वंदे मातरम शुभ ज्योतिष पुलकित आभरी फुल कुसुमत डुमर सोभरी सुभाषिणी सुमधर तीक्ष्णी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे।
मानी चंद्रदेव सांसद जी सरपंच महोदय का स्वागत कर रहे हैं। मानी संतलाल राजभर जी पूर्व पार्षद महोदय का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। के हर कार्यक्रम में हर आयोजन में आगे रहते थे माननीय गोरेलाल राजभर जी, जिनका भी देहांत हो गया है। ऐसे अरमान रखने वाले अर्जुन भाई राजभर जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि सम्मानी मंच एवं सम्मानी साथी उनके लिए 2 मिनट श्रद्धांजलि मौन। गोरेलाल राजभर जी एवं हमारे सम्मानी गोरेलाल राजभर जी एवं इस गनियारी के निवासी श्री रामजी राजभर का स्वर्गवास हो गया है। सम्मानी मंच एवं सम्मानी साथियों, सामने बैठे सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि 2 मिनट का मौन रख इनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। भगवान से परमात्मा से ऐसा प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। अर्जुन जी की शान में 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। खुश नसीब है वो लोग जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम, ए वतन पर मिटने वाले, तुम्हारी हर सांस में तिरंगा का नसीब बसता है। अर्जुन राजभर अमर रहे, अर्जुन राजभर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इसके बाद अध्यक्ष महोदय और परम आदरणीय हमारे सांसद महोदय राज साहब, श्री संतलाल जी और भी उपस्थित सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी साथियों, उपस्थित महिलाओं, मैं जो भाषण उद्घाटन भाषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसको आप जरा बहुत गंभीरता से सुने। मेरे प्यारे बंधुओं, अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारा यह ऐतिहासिक कार्यक्रम आज ऐतिहासिक क्षेत्र में होने जा रहा है। यहाँ के बहुत कम लोगों को यह ज्ञात होगा कि विश्व प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार राय बहादुर डॉक्टर हीरालाल जायसवाल की जन्म स्थली यहाँ से थोड़ी दूर स्थित कस्बा बिलहरी है। डॉक्टर हीरालाल जायसवाल हमारे पुराने सीपीएंड बरार कहे जाने वाले स्टेट के कमिश्नर थे। पुरातत्व इतिहास के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपने कन्नौजा क्षेत्र के हिंगलाजगढ़ की लड़ाई पूछना होगा। मेरा मानना है कि इस स्थान का संबंध हमारे बांदा यमराज से कुछ न कुछ है। हमारा यह क्षेत्र भारत के मध्य में स्थित है। प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर श्री राम मनोहर लोहिया जी, जो कि श्री राम किंकर पाठक जी मोरवारी वालों के अभिन्न मित्र थे, ने यह जानना चाहा था कि भारत का मध्य कहाँ है। उनने इसके विषय में नापजोक कराया, तब प्रकाश में यह आया कि भारत का मध्य
यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर स्थित करौंदी नामक ग्राम है। इसका मतलब है कि हमारा यह अधिवेशन भारत के हृदय क्षेत्र में होने जा रहा है। जहाँ तक महासम्मेलन स्थल की बात है, यह कटनी नदी के किनारे होने जा रहा है। आपको मालूम है कि कटनी शहर का नामकरण भी कटनी नदी के नाम पर है। जिस प्रकार सिहोरा होकर बहने वाली नदी हिरण पौराणिक नदी है, बामन पुराण में उसे हिरणवती कहा गया है, क्या उसी प्रकार कटनी नदी भी उतनी ही प्राचीन है? अभी सोच की आवश्यकता है। क्या कटनी वैदिक या पौराणिक नदी है? यदि हाँ तो इसका वैदिक या पौराणिक नाम क्या है? जहाँ तक मुड़वारा या मुड़वारा का संबंध है, यह किसी मुंडवर या मुड़वरिया के नाम पर बसा है। राजभर समाज में मुड़वरिया वंश या बैंक है। मेरा मानना है इस बैंक का इस स्थान से कुछ न कुछ संबंध है। दूसरी तीसरी शताब्दी के पहले इस क्षेत्र में भारसिंहों का शासन रहा है। इतिहास में पद्मावती और मथुरा भारसिंह नरेशों की गाथा है। भेड़ाघाट विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता ने लिखा है कि भेड़ाघाट में मंदिर के प्रांगण में जो चतुर्मुख शिवलिंग है, यह 150 से 180 ईस्वी के लगभग महाराजा वीरसेन भारसिंह के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित कराया गया था। यह समाज उन्हीं भारसिंह नरेश वीरसेन का वंशज है। नरेश वीरसेन भारसिंह का शैव मत प्रचार में बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए शिव दरबार में उन्हें वीरभद्र के नाम से स्थान मिला है। राजभर समाज में कुछ परिवारों में महाराज वीरभद्र कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। केवल महाराज वीरभद्र ही नहीं बल्कि राजभर समाज के और भी राजा देवालयों में पूजे जाते हैं। जब किसी पंडा को भाव आता है और वह कहता है कि मैं करुआ देव हूँ, तब आप यह समझ नहीं पाते कि यह करुआ देव कौन है। आपको बता दूं, यह करुआ देव और कोई नहीं, जौनपुर के राजा कारुवीर राजभर हैं। जौनपुर में कारुवीर राजा का मंदिर है, उनकी पूजा होती है, वही कारुवीर करुआ देव है। इन सब बातों पर आपको विश्वास नहीं होगा, किंतु यथार्थ यही है। यह बृहत्तर जबलपुर क्षेत्र पहले दहाल त्रिपुरी या तेवर के नाम से जाना जाता था। त्रिपुरी तेवर राजा कर्ण की राजधानी रही है। इतिहास में कर्ण नामधारी चार राजाओं का उल्लेख मिलता है। गहरवार वंश का कर्ण, जिसने 1041 से 1072 तक राज किया, इसे महोबा मिर्जापुर का शासक कहा गया है। इस शासक को इतिहासकार अली वहकी ने भर या राजभर राजा कहा है। महोबा मिर्जापुर के राजा का भर या भारसिंह होना इस बात से भी सिद्ध है कि मांडा नरेश श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, सारनाथ वाराणसी के राजभर समाज के एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं भी आपका खून हूँ। मांडा किले में जो शिलालेख है उसे देखने पढ़ने की जरूरत है। इसका अर्थ यह है कि घरवार और राजभर में भेद नहीं है। राजभर अपना अस्तित्व खो चुके हैं। स्थिति यह है कि यदि राजभर समाज के किसी व्यक्ति के नाम के साथ सिंह जुड़ा हुआ है, तो राजभर समाज के ही निम्न मानसिकता के लोग उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ सिंह शब्द अलग कर देते हैं। वे मेमना ही बने रहना चाहते हैं, जबकि इनको बलसूचक नाम रखना चाहिए। ध्यान रखिए, अपने को हीन समझोगे तो आप में हीनता आएगी, उच्च समझोगे तो उच्चता आएगी। बात विषयांतर होगी। अब दूसरे कर्ण के नामधारी राजा की बात सुनिए। 1040-1070 के कर्ण को डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने त्रिपुरी वर्तमान तेवर दहाल या जौलपुर क्षेत्र का शासक कहा है। इसे कलपुरी या कलार वंश का शासक कहा गया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत के अनुसार राजभर समाज के बहुत से राजाओं को शक्तिशाली जातियों ने अपना सिद्ध कर डाला। हम तेवर के राजा कर्ण का भी संबंध राजभर समाज से मानते हैं। इसका आधार यह है कि राजभर समाज में आज भी कलार वंश या भैंस के राजे पाए जाते हैं। हमारा यह भी मानना है कि पेपरौत के आगे जो तेवरी है वही तेवर है, क्योंकि कर्ण राजा के विषय में जो कथा प्रचलित है वह इसी तरह इशारा करती है। कथा इस प्रकार है। राजा कर्ण बहुत दानी थे। वे नित्य प्रति प्रातःकाल सवा मन स्वर्ण प्रजा में बांटते थे या दान करते थे। राजा कर्ण के सवा मन सोने की दान की चर्चा सम्राट विक्रमादित्य के कानों तक पहुंची। जब वे इसका रहस्य जानने को नौकर बनकर राजा कर्ण के यहाँ पहुंचे,
धीरे धीरे उनके कृपा पात्र बनकर उस राष्ट्र को जानने का प्रयास करने लगे कि राजा कर्ण प्रतिदिन सवा मन सोने का दान करते हैं, आखिर इतना सोना वे कहाँ से प्राप्त करते हैं। राजा कर्ण प्रतिदिन 4 बजे भोर स्नान जानकर रथ पर सवार हो निकल पड़ते थे और घंटे भर में लौटकर महल के बाहर उपस्थित प्रजा में स्वर्णदान करते थे। एक दिन सम्राट विक्रमादित्य, जो कि नौकर के रूप में राजा कर्ण के पास रहते थे, रथ का पीछा करते हुए वहां पहुंचे जहां से राजा कर्ण प्राप्त करते थे। सम्राट विक्रमादित्य ने देखा कि वह देवी योगिनी की प्रतिमा है, सामने खोलता हुआ कड़ाव है। राजा कर्ण उस खोलते हुए कड़ाव में कूद गए और घूम गए। देवी प्रकट हुई और हड्डी पसली एकत्र कर उन्होंने अमृत छिड़क कर राजा को पुनर्जीवित कर दिया और फिर नित्य की भांति झांझा हिलाकर सवा मन सोना राजा कर्ण को दे दिया। राजा वापस महल में आए और बाहर कतार लगाए खड़े लोगों को वह सवा मन सोना दान कर दिया। यही राजा कर्ण की नित्य क्रिया थी। अब विक्रमादित्य इस राष्ट्र को जान चुके थे। एक दिन वे राजा कर्ण के से पहले पहुंचे, अपने शरीर में कई प्रकार के लेप लगाकर उस कड़ाव में खून भर गए। देवी प्रकट हुई, संतुष्ट हुई, वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और राजा विक्रमादित्य से कहा कि मांग तुझे क्या वरदान चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा, यदि देवी माता सचमुच प्रसन्न है तो मुझे 2 वरदान दें। देवी ने कहा, हे मस्त। विक्रमादित्य ने कहा, हे माँ, पहला वरदान यह है कि आप अपनी यह झांझर मुझे दे दो ताकि मैं अपने घर पर ही इसे हिलाकर सवा मन सोना प्रतिदिन प्राप्त कर लिया करूँ। देवी ने यह वस्तु कहा। विक्रमादित्य ने दूसरा वरदान मांगा, हे देवी माँ, आप अपना यह सब ताम झाम समेट कर यहाँ से लुप्त हो जाएं, ऐसा मालूम न पड़े कि यहाँ कुछ था। देवी ने कहा, यो मस्तु। सम्राट विक्रमादित्य ने वह झांझर ली और वापस राजा कर्ण के महल में आ गए। राजा कर्ण जब देवी स्थान में पहुंचे तो वहाँ सब कुछ गायब था। वे चिंतित हो गए, अब सवा मन सोना वहाँ कहाँ से प्राप्त प्रदान करेंगे। दुखी राजा अपने महल में भारी मन से लौट आए। अब भोग हुई तब राजमहल के द्वार पर भिक्षा प्राप्त करने वालों की लाइन लग गई, किंतु राजा कर्ण बाहर नहीं निकले। निकलते भी कैसे, दान के लिए सोना कहाँ से लाते। अब बहुत देर हो गई तो नौकर रूपी सम्राट विक्रमादित्य ने राजा कर्ण से पूछा, हे महाराज, राजद्वार पर लोगों की भीड़ लगी है, आप अभी तक दान देने के लिए बाहर नहीं निकले, आज आप बहुत खिन्न और उदास मालूम पड़ रहे हैं। राजा कर्ण ने कहा, हे सेवक, तुम यह सब जानकर क्या करोगे, तुम सेवक हो, सेवक की तरह रहो। नौकर रूपी सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, हे महाराज, आप अपनी पीड़ा बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बहुत आग्रह करने पर राजा कर्ण ने योगिनी से प्रतिदिन प्राप्त होने वाले सवा मन सोने की पूरी कथा बता दी। सेवक रूपी विक्रमादित्य ने कहा, हे राजन, आप चिंता मत कीजिए, दान करने की तैयारी कीजिए, ये लीजिए झांझर और इसे हिलाकर सवा मन सोना प्राप्त कीजिए। आज से आपको देवी के दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। राजा कर्ण ने उस नौकर के पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, आप सच सच बताइए कि आप कौन हैं। कोई मामूली सेवक ऐसा नहीं कर सकता कि सवा मन सोना उगलने वाली झांझर इतने सहज मन से दूसरे को सौंप दे। सम्राट विक्रमादित्य ने अपना पूरा परिचय दिया और देवी स्थान में भी पूरी घटना बताई। राजा कर्ण ने कहा, हे महाराज, आप सेवक बनकर मेरी सेवा करते रहे, मैं इसके लिए लज्जित हूँ। मैं आपको पहचान नहीं सका, इसके लिए मुझे क्षमा करें। राजा विक्रमादित्य वहाँ से प्रस्थान किए। राजा कर्ण प्रतिदिन उसी प्रकार स्वर्णदान करते रहे। जहाँ योगिनी रहती थी उस गांव का नाम स्वर्णपुर था, जो आज सोनपुर नाम से जाना जाता है, और यह गांव त्रिवेणी से नज़दीक खिरवा बिछुआ के आसपास है। आज यदि वहाँ खुदाई की जाए तो संभव है सोने का भंडार मिले। यद्यपि यह कथा महोबा राजा नरेश कर्ण से संबंधित बताई जाती है, किंतु मेरा मानना है कि यह कथा तेवर नरेश कर्ण से संबंधित है, क्योंकि महोबा नरेश प्रतिदिन सोनपुर गांव आकर उपरोक्त प्रक्रिया कर स्वर्ण प्राप्त नहीं कर सकते थे, जबकि तेवर नरेश सरलता से प्रतिदिन सोनपुर पहुंच सकते थे। अब एक बात और आपको बता दूं, उज्जैनी सम्राट विक्रम के बड़े भाई का नाम भर्तृहरि था। मैंने एक पुस्तक देखी थी, भर राजा भर्तृहरि, उस पुस्तक का हेडिंग पेज आज भी मेरे पास है। भर्तृहरि योगी हो गए थे और विंध्य शक्ति में तपस्या कर रहे थे, अर्थात योगी भर्तृहरि राजभर थे। अब आप सोचिए, जब बड़ा भाई राजभर कहा गया है तो छोटा भाई उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य राजभर राजा नहीं होगा तो क्या होगा।
राजभर महात्म पटका में श्री रामचंद्र राव का लिखा एक लेख भी छपा था, राजाओं के शासन काल का मिलान भी जरूरी है, यह सोच का विषय। तीसरे कण लक्ष्मीकांत का उल्लेख मिलता है जिसने 1070 1120 तक शासन किया। चौथा कण जिसने 1063 से 1093 राज्य किया, वे सोलंकी वंश के थे और अहलवाड़ा गुजरात के थे। महापंडित राहुल संघ प्रत्यायन अपनी पुस्तक सपनी के बच्चे में लिखते हैं, हरे भारत जाति के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, किंतु राजभर समाज अपना इतिहास नहीं जानता, सो रहा है। महापंडित राहुल संक्रत्यायन की पुस्तक मेरे पास है, जिसे देखना हो देख सकता है। बलदेव सिंह चंदेल लिखते हैं कि राजभर स्वतंत्र पुत्र भरत के वंशज हैं, किंतु राजभर समाज को इससे फर्क नहीं पड़ता, वह अपने इतिहास को जानना नहीं चाहता, उसे तो सत्य नारायण की कथा सुनने से फुर्सत नहीं है, समाज में ही फूट डालकर आपस में झगड़ा झांसा करने से फुर्सत नहीं है। आजकल एक और चलन बढ़ गया शराब पीने का, शराब पीकर अपनी घर गृहस्थी बर्बाद करने से फुर्सत नहीं है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कुछ लोग अपने बच्चों से अंग्रेज शराब की बोतलें मंगाकर कुछ कमीशन लेकर बेचने का भी धंधा करते हैं। बुरा मत मानिए, शराब पीकर बारात में जाएंगे, वहाँ झगड़ा झांसा करेंगे, दूसरों का सिर फोड़ेंगे और अपना सिर फोड़वाएंगे, यह सब कैसे बंद होगा? जब कुछ मुखिया ही शराबी होंगे तो समाज तो बिगड़ेगा ही। बुरा मत माने, यह सब मुखियाओं के लिए नहीं है, जो अच्छे हैं सो अच्छे हैं। मुझे एक कथा याद आ रही है, एक लड़का रास्ते में खड़े होकर पेशाब कर रहा था, एक व्यक्ति ने उसे डांटा और कहा, चल मैं तेरी शिकायत तेरे पिताजी से करूँगा, कि यह लड़का संस्कारहीन हो गया है, खड़े खड़े पेशाब करता है। जब वह व्यक्ति उस लड़के को लेकर उसके घर गया तो देखा कि उस लड़के का बाप ऊपर छत में चारों तरफ घूम घूम कर पेशाब कर रहा है। ये स्थिति है संस्कारों की। हम इन बुराइयों को निकालना चाहते हैं, इन बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, इसलिए हम दूसरों के लिए बुरे हैं। अच्छी ज्ञान अच्छी बात सब ग्रहण नहीं करते, बुरी बात जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। बेचारे दूध वाले को घर घर जाकर दूध ले लो कहकर फेरी लगानी पड़ती है, फिर भी उसका दूध नहीं बिकता। और शराब के साथ ऐसा नहीं है, खुद लोग शराब खाने में जाकर लाइन लगाकर शराब प्राप्त करते हैं। अच्छी चीज़ में और बुरी चीज़ में यही अंतर है। हमारी अच्छी बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी, कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि लोग झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद करते हैं, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर सुधारना पसंद नहीं करते। समाज के लिए जो कोई कुछ करना चाहता है उसकी टांग खींचने से फुर्सत नहीं है। अपने सगे संबंधियों रिश्तेदारों का गुट बनाकर समाज में वैमनस्यता फैलाना, किसी के महत्व को कम करने की साजिश करते रहना समाज सेवा नहीं कहलाती। समाज सेवी होने का ढोंग करना दोनों बिल्कुल अलग है। समाज सेवा के लिए अपने आप को होम कर देना पड़ता है। समाज सेवा करने या समाज का नेतृत्व करने के लिए जरूरी है कि सबके प्रति संभाव हो, रचनात्मक काम किए जाएं, विध्वंसक नहीं। समाज सेवा के लिए आपको समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति के पास पहुंचना होगा। सामान्य व्यक्ति को अपना कर देखिए, आपको बहुत सुख मिलेगा, आपके कार्य में चार चांद लग जाएंगे। समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति ने मुझे याद आ गया, एक बार हम एक क्षेत्र में सामाजिक कार्यक्रम के लिए चंदा मांगने गए, उस क्षेत्र के सभी लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। हम एक गरीब के घर पहुंचे, वह वृद्ध मेला कुचेला वस्त्र पहने बैठा था, बीमार था। उसने बड़े प्रेम से हमें बैठाया और अपने मेले कुचेले गमछे की छोर से मैं बंधा हुआ एक रुपये का सिक्का छोड़ा और चंदा के रूप में हमें दिया। हम गदगद हो गए, लेकिन उसकी स्थिति देखकर हमने अपने चंदे से उसे कुछ रुपये दे दिए। उस समय हमें लगा कि धन नहीं मन बड़ा होना चाहिए, यह है समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर के जो ललाएं बाहर के पूजा मांगें। ध्यान रखें, जब आप किसी विद्वान समाज सेवी की टांग खींचते हैं तो आप उस विद्वान का नहीं अपने समाज का नुकसान करते हैं, क्योंकि टांग जंगल में विद्वान अपसेट हो जाता है और उस कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है जो वह समाज हित में करना चाहता है। यद्यपि उस विद्वान का कुछ नहीं बिगड़ता समाज का है। आप ही सोचिए, 50-55 साल से कुछ समाज सेवियों की टांगें
कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा खींची जा रही है। उनका क्या बिगड़ा, जो कुछ बिगड़ा समाज का बिगड़ा। यदि यह कांस्टेबल का काम न चलता होता और सब मिलकर काम करते तो आज समाज न जाने कहां का कहां पहुंच चुका होता। आज आरक्षण की याद आती है, उस समय जब कुछ लोग आरक्षण की मुहिम चला रहे थे तब स्वार्थी लोग कहते थे कि हमें नीच बनाया जा रहा है। आज वही लोग SC ST की को तरस रहे हैं। ध्यान रखिए, असाड़ का चूका किसान और दाल का चूका बंदर समझ नहीं पाते। आप भी उस समय चूक गए। आज भी कुछ लोग उसी पुराने धरने पर चल रहे हैं और मात्र अपने स्वार्थ के लिए समाज के हित की बलि चढ़ा रहे हैं। काम करिए, यश अपने आप आपको मिलेगा। ध्यान रखिए, विद्या दो प्रकार की होती है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या तब तक सम्मान दिलाती है जब तक शरीर में ताकत रहती है, लेकिन शास्त्र विद्या मरते दम तक आपको सम्मान दिलाती रहती है। प्यारे बंधुओं, यह एक कड़वी सच्चाई है कि कुछ लोग दिनरात अपनी नींद हराम कर इस फिक्र में सूख रहे हैं कि इस समाज के लड़के लड़कियां शिक्षित कैसे हों, प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिस्सा लेकर सफल कैसे हों, इस समाज के युवक रोजगार की ओर व्यापार की ओर कैसे मुड़ें, आर्थिक समृद्धि कैसे प्राप्त करें। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस जुगत तान में लगे रहकर आराम से सो रहे हैं कि उनके कब्जे में पूरी बिरादरी कैसे जाए। वे जो बिरादरी की वास्तविक उन्नति चाहते हैं उन लोगों को रास्ते से कैसे हटाया जाए। मेरी यह बात बहुतों को बुरा लगेगी, इसके लिए क्षमा करें। जिस प्रकार पल पल में पंपलेट पर पंपलेट छपते गए, बैनर पर बैनर बनते गए, 50,000 रुपये व्यय किए गए, लगता है यह जाति साधन संपन्न है, इसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। समाज को जगाने का प्रयास किया गया, सोचा इसका सबसे अच्छा माध्यम पत्रिका है। पूरे भारत की समाज ने पत्रिका की वाहवाही की। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड आदि सभी राज्यों के लोगों ने पत्रिका द्वारा समाज जागरण के महत्व को समझा। लेकिन मेरे अपने लोग भगवान ही मालिक हैं। बिराजगिरी के इतिहास में यह एक रिकॉर्ड है जिसे पार कर पाना किसी के बस में नहीं। मालूम है पत्रिका प्रकाशन का 29वां वर्ष चल रहा है, अभी तक इसके 337 अंक निकल चुके हैं। यह सब पंजाब, हरियाणा एवं अन्य प्रदेश के उन लोगों के कारण जो कि दूर संचार माध्यम का महत्व समझते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, कौन है हवेली एरिया में जिसने 100 रुपये देकर पत्रिका की सदस्यता हुई हो, केवल दो लोग। पचेली एरिया में कोई नहीं, कोनो कन्नौजा में तो भगवान ही मालिक है। अब यदि कोई कहे भी कि पत्रिका का प्रकाशन जारी रखो तो कहते हैं कि का बरखा जब कृषि सुखानी। अब पत्रिका तो 29 साल की जवान हो गई, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया। कहते हैं कि जो जाके न आए वो जवानी देखी, जो आके न जाए वो बढ़ापा देखा। ये सब सरल काम नहीं है। आप जानते हैं एक पंपलेट छपाने में इतनी मेहनत और पैसा लगता है, फिर कई पन्नों की पत्रिका निकालना कठिन कार्य भी है। लोगों ने यह भी सोचा कि कृष्ण निर्माण कर उसके माध्यम से समाज का कुछ किया जाए, लेकिन इससे भी लोगों को एलर्जी ही है। पटेल क्षेत्र में केवल एक मेंबर और कन्नौजा क्षेत्र से भी मात्र केवल एक मेंबर, मतलब किसी की कोई रुचि नहीं। फिर भी पत्रिका जीवित है और ट्रस्ट में भी फल फूल रहा है। जहाँ के लोग रुचि लेते हैं वहाँ के लोग इसका फायदा उठाते हैं। असहयोग की इस भावना से उभरिए, न्यास की कार्य प्रणाली को समझिए। प्रिय बंधुओं, आपको मालूम होगा कि हमारे हवेली, पटेल और कन्नौजा इन तीनों क्षेत्र में चौहान या शैलमुखरा या शैलमुखता, कलार, बढ़ेला, खरवरिया, चंदेल, मैकवाट, बिजियागढ़, कुंडा, कुलवनिया, जंगरिया, दुर्देला, मातैला, पलहा, सिठिया, राजपटेल, मुड़वरिया, सरवरिया, राजिया, सुरतिया, खलैया, बुलेटा आदि 20-22 प्रकार के राजभर पाए जाते हैं। माना 20-22 प्रकार के भैंस। क्या कभी आपने सोचा कि आपके वंश का नाम या बैंक कुलभनिया क्यों पड़ा, आपको बिलियागढ़ क्यों कहा जाता है, आपको पलाह महतेला क्यों कहा जाता है? जब तक आप सोच नहीं करोगे तब तक इन बातों को नहीं जान पाओगे। सोच आप तब कर पाओगे जब उच्च शिक्षा प्राप्त करोगे, अच्छी अंग्रेजी जानोगे, अच्छी संस्कृत जानोगे। मैं चाहता था कि इस पर सोच करूँ और यह जानने का प्रयास करूँ कि ऐसा क्यों है, ये बैंक किन किन मूलभूतों से जुड़े हैं।
लेकिन आप में यह जानने की जिज्ञासा ही नहीं है कब कौन अपना सिर खपाएगा, क्योंकि आपको तो यह चिंता खाई जा रही है कि यह आदमी सिंह क्यों लिखता है, यह आदमी आचार्य क्यों लिखता है, यह आदमी महामहोपाध्याय क्यों लिखता है। बातें बुरी लगेंगी किंतु हकीकत यही है। कुछ लोग मेरे विषय में यह दुष्प्रचार करने में लगे हैं रहते हैं कि शोहरा वाले कहीं आते जाते नहीं। ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि वे कभी मेरे घर आकर मुझे देखें। मैं पलंग में बैठा किताबों से घिरा हुआ अपनी बिरादरी के विषय में किताबों का अध्ययन करता रहता हूँ। 100 पुस्तकें पढ़ो तब एक लकीर काम की मिलती है, कुछ मिल जाता है तो उसे कंप्यूटर में कंपोज कर देता हूँ। मेरी जिंदगी मेरे अपने लिए नहीं है, यह 2400 घंटे इस समाज के लिए समर्पित है। रिसर्च करते रहना ही ध्येय है। अब मेरे पास समय कम है, जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक से अधिक सोच समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद बहुत सा ज्ञान बिरादरी के विषय में बहुत से रहस्य मेरे देह वतान के साथ दफन हो जाएंगे। यहाँ रखिए सूर्य उगता है लेकिन वह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसके तेज का उपयोग अपने कपड़े सुखाने के लिए करता है या अन्य प्रकार के कार्यों में अपनी उसकी ऊर्जा का उपयोग करता है। आपने मेरे ज्ञान का दोहन नहीं किया, मेरे ज्ञान का मजाक उड़ाने में अपना समय बर्बाद किया है। इससे मेरा नहीं, आपका नहीं, समाज का नुकसान हुआ है। आपको कितने भी नीचे ले जाकर प्रज्वलित करो उसकी लौ उसकी शिखा हमेशा ऊपर की ओर ही निहारती है, ऊर्ध्वगामी होती है। पानी को कितने भी ऊपर ले जाकर छोड़ो वह हमेशा नीचे की ओर गिरता है। आपको ऊर्ध्वगामी होना है या अधोगामी, इस पर मंथन करना है। आप खूब महासम्मेलन करें लेकिन केवल इकट्ठा होकर खाने पीने के लिए नहीं, केवल मनोरंजन के लिए नहीं। आप जो करते हैं उससे समाज को क्या मिला इस पर ध्यान दीजिए। अभी आपकी हमारी समाज की स्थिति दर्श के व्यय की नहीं है। अभी आपके सामने बहुत सी समस्याएं सुरक्षा की तरह अपना मुंह बाए खड़े हुए हैं, इनका समाधान कीजिए। आपके इर्द गिर्द मंडराने वाले मियां मिट्टू 4 दोस्त आपकी प्रशंसा करें, इससे खुश मत होइए। अब जब आपके विरोधी भी आपका लोहा मानने लगे आपकी प्रशंसा करें तब आप समझिए कि आप कुछ हैं। ध्यान रखिए आपके केवल 4 रिश्तेदार ही समाज नहीं है, आपके विचारों में समग्रता होनी चाहिए। खेद है उत्तर नकारात्मक निवेदन है कि आज का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भी राज्य में इस समाज के पुरोधा चौपाल लगाकर बैठे और विचार विमर्श करें, अपनी सामाजिक शंकाओं को हमारे सामने प्रकट करें। अभी 2 दिन का अवसर है, मौका मिलेगा तो फिर कुछ न कुछ विचार आपके सामने रखूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजभाषा। साथियों उद्घाटन भाषण के बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह राष्ट्रवीर महाराजा सोहलदेव ट्रस्ट के तत्वाधान में माननीय श्री श्यामलाल राजभर जी के सहयोग से उन्होंने अपनी माता जी एवं धर्म पत्नी की स्मृति में ये सम्मान समारोह रखा है। मैं निवेदन करता हूँ साथियों, ये जो प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह महाराजा सोहलदेव ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है उसका एक मूल उद्देश्य है कि हमारे छात्र छात्रा जो कि मेहनत से लगन से पढ़ रहे हैं, हमारा समाज केवल कुछ लोग एक दूसरे की बातें करके हर बातों को किनारे कर देते हैं और उन बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं जाता जिनसे हमारे समाज का भविष्य बनने वाला है। इसलिए महाराजा सोहलदेव ट्रस्ट ने जब इस ट्रस्ट की स्थापना हुई तभी से यह कार्य चालू है और हमारे माननीय श्री श्यामलाल राजभर जी वरिष्ठ लेखाधिकारी ने पिछले एक कार्यक्रम में घोषणा किया था कि जो भी छात्र जो भी छात्रा
पढ़ाई में अव्वल होगी उनको ये अपने तरफ से एक कुछ धनराशि एवं ट्रस्ट के तरफ से सम्मान पत्र दिया जाएगा ताकि उनका हौसला बढ़ सके, वो और किसी क्षेत्र में और पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत से लगन से पढ़ सके ताकि समाज का विकास हो सके। साथियों, इस विषय में मैं चाहता हूं कि हमारे श्यामलाल राजभर जी वो दो शब्द कहें। माननीय श्यामलाल राजभर जी, साथियों, महाराजा सुहलदेव ट्रस्ट की जो स्थापना हुई थी वो अगस्त 2008 में हुई। यद्यपि मैं इस ट्रस्ट का सदस्य नहीं था, लेकिन एक दिन मैं सिहोरा आया, वो आचार्य जी के यहां बैठा, माननीय श्री इंस्पेक्टर साहब श्री अच्छे लाल जी ने मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप इस ट्रस्ट में योगदान दीजिए। मैंने बोला इसके बाइलाज क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी नियमावली क्या है, सबसे पहले मुझे वो दिखा और उसकी बुकलेट दीजिए मुझे। घर ले गया, मैंने पढ़ा। ट्रस्ट के उद्देश्य, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश राजभर महासभा से तो पहले से जुड़ा था, ट्रस्ट के उद्देश्य मेरे समझ में अच्छे लगे। इसी कड़ी में मेरे ख्याल से नवंबर 15 में ट्रस्ट की बैठक हुई जिसमें माननीय सांसद महोदय, माननीय सचिव महोदय लखनऊ वाले राय साहब इत्यादि सभी लोग उपस्थित हुए। मेरे दिल में एक जिज्ञासा जागी कि चूंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूं, इस सीमा तक जो मैं पहुंचा हूं, तो वो जमीनी हकीकत मैंने देखी है, तो मेरे दिल में विचार आया क्यों ना मैं अपनी स्वर्गीय माता जी एवं पत्नी के नाम पे समाज के ऐसे बाल बच्चों को वजीफा दूं ट्रस्ट के माध्यम से, जिससे कि उनको आगे बढ़ने में सहूलियत हो। और जो मैंने जीवन का निचोड़ निकाला, ये निकाला कि बिना शिक्षा के किसी भी प्रकार का पिछड़ापन दूर होने वाला नहीं, ये वास्तविकता है। हम शिक्षित बनेंगे तभी पढ़ेंगे लिखेंगे जानेंगे। कुछ बाल बच्चे हमारे बीच में ऐसे हैं कि अच्छा परसेंटेज तो ले आते हैं लेकिन आगे पढ़ने लिखने का साधन नहीं बना पाते। तो इसी तारतम्य में मैंने माननीय सांसद महोदय के सामने एक प्रपोजल रखा था, वो बड़े गदगद हुए, मुझे शाबाशी दी, बोले श्याम भाई ये कार्यक्रम चालू करो। और इसकी राशि मैंने 5,000 रुपये पर शिक्षण सत्र रखी थी और उसमें ट्रस्ट को एक एप्लीकेशन दी थी कि जो बच्चा जबलपुर एवं कटनी जिले का, क्योंकि मेरी ये जन्मभूमि है और ये मेरी कर्मभूमि है, जो भी बच्चा 80% एंड एवं मार्क्स लाएगा उसका उस राशि से ट्रस्ट के माध्यम से जब भी कोई जलसा होगा सम्मान किया जाएगा। उसी तारतम्य में शिक्षण सत्र 15-16, 16-17, क्योंकि ये डिसीजन फैसला और मुझे अनुमति दी गई थी माननीय लोगों के द्वारा 15 में, तो शिक्षण सत्र 15-16, 16-17 और 14 मई को रिजल्ट आया है 17-18।
इसके लिए स्टिपुलेटेड टाइम रखा गया था कि इस समय तक कोई भी सर्टिफिकेट आ जाता है तो वो शामिल करके वो जो डिसाइडिंग कमेटी है कि कितना क्या देना है तो ये डिसाइड करके उनको प्रमाण पत्र और ट्रस्ट के माध्यम से और इस समारोह में उन बच्चों का सम्मान किया जाएगा। कट ऑफ परसेंटेज 80% रखा गया था, 80%, लेकिन हमने ये देखा कि 80% से अबव वाले मार्क्स तो आए बच्चों के, लेकिन उनकी संख्या कम थी। सम्माननीय लोगों ने डिसाइड किया श्याम भाई इसका परसेंटेज कम रखो, 70% एंड अबव लीजिए, जिससे कि जो बच्चा आज 70% ले रहा है या बच्ची 70% ले रही है उसका मनोबल आगे जा करके बढ़ा, वो 90 तक पहुंचेगा, 95 तक पहुंचेगा, तो वो निराश ना हो। आज आप लोगों की देखरेख में, आप लोगों के सामने, माननीय जी लोगों के सामने उन बाल बच्चों का सम्मान करने का ट्रस्ट के माध्यम से मुझे जो मौका प्रदान किया गया है माताजी एवं पत्नी की याद में, मैं तहे दिल से आप लोगों का सम्मान करता हूं। श्री बबला जी, कुमुद भाई अभी बच्चियों का नाम पुकारेंगे, वो बच्चियां प्राय है, मैं निवेदन करता हूं कि तैयार रहें। अभी 2 बजे से मेरा एक प्रोग्राम फिर है, मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों को कि जो बच्चे शिक्षा के माध्यम से 11 बाल बच्चे हैं और सर्टिफिकेट इसलिए शामिल नहीं किए जा सके क्योंकि लेट पहुंचे, वो नेक्स्ट कार्यक्रम में अपन देखेंगे, उनको निराश नहीं होने देंगे, ये मेरी सोच है। और ऐसे लड़के जो ग्रेजुएट या नॉन ग्रेजुएट जो चिल्लाते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती, क्या कारण है? हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा, अगर हम पैसा लगा रहे तो चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी नौकरी हो, तो 1 घंटे का मेरा प्रोग्राम है, वो बच्चे लोग बैठेंगे, मैं उनको तरीका बतलाऊंगा क्या स्टडी करना है, किस तरीके की तैयारी करना है और किस तरीके से हम जॉब को हथिया सकते हैं। हर हर पार्टी को, हर एम्प्लायर को, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, क्रीम चाहिए, मलाई सब खाना चाहता है, छाछ कोई नहीं खाना चाहता। हम इन बच्चों में क्रीम कैसे पैदा करें, ये गुण कम से कम मुझ में जरूर है, क्योंकि मैंने कम से कम पत्तों की तरह नौकरियां बदली हैं, तो वो आर्ट, वो कला मैं अपने समाज के बच्चों में थोड़ा सा उनके साथ बैठ करके शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे इंटरव्यू अटेंड करना है, पढ़ाई के साथ साथ किस तरह की आपको तैयारी करना है। विद्वान लोगों ने, चाहे हमारे मिसाइल मैन और एवं राष्ट्रपति जो आज इस दुनिया में नहीं है, APJ अब्दुल कलाम ने, स्वामी विवेकानंद ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, गौतम बुद्ध जी ने एवं अन्य बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिक्षा का क्या महत्व बताया है, तो मैं इस समाज और बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बस इन्हीं बातों के साथ मैं निवेदन करता हूँ कि कार्यक्रम स्टार्ट किया। हेलो, सामने खड़े जो सुजाति बंधु हैं कृपया कर यहाँ आकर बैठ जाएं। सभी सुजाति बंधुओं से निवेदन है जो पंडाल के बाहर और इधर पंडाल के अंदर खड़े हैं वो कृपया कर यहाँ आकर बैठे। साथियों, प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सम्मान में 2 लाइनें। देख देख कर तुझे चलना होगा, हर कदम पर तुझे संभल कर चलना होगा, आज जो सूना पड़ा है खंडर वहां तुझे ज्ञान का दीपक जलाना होगा, वहां तुझे ज्ञान का दीपक जलाना होगा। मैं नाम पुकार रहा हूं कुमारी अवंती, पिता सुदर्शन राजवर सायपुर। मैं दूसरा नाम कुमारी अवंती, कक्षा 10वीं में उन्होंने 91.33% जोरदार ताली से इस बच्ची का स्वागत कीजिए। कक्षा 12वीं में प्रिय सज्जनों, पहली बच्ची है जिसने
कक्षा दसवीं में 91% नंबर पाया था, ये बहुत बड़ी आपके लिए गौरव की बात है। और यही बच्ची अभी 12वीं का रिजल्ट में 86.5 से पास हुई है बच्ची, माने इसको दोनों सत्र का सम्मान दिया गया है, 910 रुपये पहले दसवीं वाले सर्टिफिकेट का है और 860 रुपया इस बार का दिया गया है, कुल मिला के 1770 रुपये का सम्मान बच्ची को दिया जा रहा है। इसके माता पिता को धन्यवाद है। माननीय सांसद महोदय जी के माध्यम से एवं गुरु जी के माध्यम से इस बच्ची को सम्मान दिया जा रहा है, जोरदार तालियों से इस बच्ची का स्वागत कीजिए और इनके माता पिता के लिए भी जोरदार तालियां। कुमारी स्वाति पिता श्री रघुवर प्रसाद सायपुर, इस प्रमाण पत्र के साथ राजभर साहित्य है जो कि आप इसको पढ़ें और समाज के प्रति भी ज्ञान अर्जित करें। कुमारी स्वाति, इनका कक्षा दसवीं में 79.5 एवं कक्षा बारहवीं में, कृपया कर अपनी इन बच्चियों के लिए तालियां बजाते रहिए ताकि इनका मनोबल बढ़े और ये आगे चल के आपका नाम रोशन करें। भूपेंद्र कुमार पिता विनोद कुमार बरहटा, कक्षा दसवीं में 70.5%। कुमारी नंदिनी पिता विनोद कुमार बरहटा हायर सेकेंडरी में 84.6%। मैं जिनका नाम बोलूं कृपा कर वो मंच पे आते जाएं और हर बच्चे बच्चियों के लिए आप लोगों से निवेदन है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। भूपेंद्र कुमार कक्षा दसवीं 70.5%। कुमारी नंदिनी पिता विनोद कुमार बरहटा हायर सेकेंडरी में 84.6%। जोरदार ताली से भूपेंद्र का स्वागत कीजिए। कुमारी अंकिता पिता गिरधारी लाल सुनारखेड़ा, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों से, तालियों की गूंज इस पंडाल पर रेगुलर गूंजते रहना चाहिए। कुमारी नंदिनी विनोद कुमार, कुमारी नंदिनी जी पिता विनोद कुमार, जोरदार ताली से इस बच्ची का स्वागत कीजिए। कुमारी नंदिनी ने हायर सेकेंडरी स्कूल में 84.6% प्राप्त कर अपने परिवार एवं समाज का नाम रोशन किया है। कुमारी अंकिता पिता गिरधारी लाल सुनारखेड़ा, इन्होंने हाई स्कूल में 80.8%। कुमारी अंकिता सुनारखेड़ा, जोरदार ताली से इस बच्ची का स्वागत कीजिए। कुमारी साक्षी पिता शिव कुमार मजगमा, कुमारी साक्षी पिता शिव कुमार मजगमा हाई स्कूल में इन्होंने 88.3% प्राप्त किया है। जोरदार ताली से उस बच्ची का स्वागत कीजिए। कुमारी साक्षी शिव कुमार सौरभ पिता राम नरेश सुनारखेड़ा, कुमारी साक्षी पिता शिव कुमार, जोरदार ताली से इस बच्ची का स्वागत कीजिए। साथियों, तालियां इतनी तेज होना चाहिए कि इन बच्चियों के दिमाग में घर कर जाए और ये अगले बार और मेहनत करके इन तालियों के लिए अपने रिजल्ट और आगे लेके आए ताकि समाज का नाम रोशन हो। सौरभ पिता राम नरेश सुनारखेड़ा कटनी, नेहा पिता अनिल कुमार सिमरिया, सौरभ पिता राम नरेश, इन्होंने कक्षा बारहवीं में
70.2% प्राप्त कर परिवार का एवं समाज का नाम रोशन किया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सौरभ पिता राम नरेश का। हेलो, आप भी खड़े रहिए। सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए जोरदार तालियां बजती रहें ताकि इनका मनोबल बढ़ा रहे। नेहा पिता अनिल कुमार, दुर्गा पिता राधेलाल, सौरभ राम नरेश, जोरदार ताली से इस बच्चे का स्वागत कीजिए। इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूं नेहा अनिल कुमार सिमरिया जबलपुर। इन्होंने हाई स्कूल में 83.4% प्राप्त कर अपने परिवार का अपने समाज का नाम रोशन किया है। नेहा पिता अनिल कुमार। इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूं दुर्गा पिता राधेलाल, ये भी सिमरिया की हैं। जोरदार तालियों से इस बच्ची का स्वागत कीजिए। दुर्गा पिता राधेलाल, 12वीं कक्षा में इन्होंने 75.4% हासिल कर अपने परिवार एवं समाज का नाम रोशन किया है। मोहिनी पिता हेतराम निगई, दुर्गा पिता राधेलाल, जोरदार तालियों से इस बच्ची का स्वागत कीजिए। साथियों जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, ये बच्चे बच्चियां आपके घर के लोग हैं। दुर्गा राधेलाल, 12वीं कक्षा में इन्होंने 75.4% हासिल कर अपने परिवार एवं समाज का नाम रोशन किया है। साथियों अगर पीछे आवाज सुनाई दे रही हो तो कृपया कर आप लोग भी ताली बजाएं भाई, ये बच्चे बच्चियां आपके घर के हैं, आपके गांव के हैं। मोहिनी हेतराम, दुर्गा अंकित सुखदेव राजभर घाना, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आए उनके साथ कुमारी रश्मि पिता सुरेश गन्यारी, कुमारी रश्मि पिता सुरेश गन्यारी, कक्षा 10वीं में 77% हासिल कर हमारे सरपंच एवं पूर्व पार्षद द्वारा सम्मान इस बच्ची को, जोरदार तालियों से इस बच्ची का स्वागत कीजिए। और मैं निवेदन करता हूं जिन बच्चे जिन छात्र छात्राओं को सम्मान दिया गया है कृपया कर वो मंच पे आ जाएं। जिन छात्र छात्राओं को सम्मान दिया गया है कृपया कर वो मंच पे आ जाएं। उनके साथ ग्रुप फोटो लेना है। हो गया।